हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आपका अंजलि हेल्प किचन में फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग नाश्ता। तो मैं देख सकते हैं 1 से 1.5 कप आटा यहां पे यूज़ किया है। अगर आप ये नाश्ता कभी घर पे ट्राई कर नहीं किए हैं और ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर पूरा देखें और लाइक भी कर दीजिए। तो ये मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाला है। नमक डालने के बाद में टेस्ट अकॉर्डिंग हम लोग डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ बहुत तीखी है ये, तो हमें थोड़ा स्पाइसी करना है। अगर आपको स्पाइसी चीज़ पसंद नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर बहुत कम डाल सकते हैं। तो लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद में हल्की सी हल्दी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हल्दी आटे के अंदर नहीं डलती है, तो हमें आटे का कलर थोड़ा हल्का सा चेंज करना है तो हल्दी भी डाल देते हैं। यहाँ मैंने मेथी का यूज़ किया है, बिकॉज मेथी जो होती है हरी चीज़ होती है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और धनिया डाला है। धनिया खाने में जितना टेस्ट बढ़ाता है खाने का, उतना ही दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल हरा हरा हम लोग का नाश्ता बनेगा और बहुत ही टेस्टी और विदाउट किसी हम लोग के ऑयल के बनेगा ये, और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके अंदर ऑयल का यूज़ मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर आप आटे के अंदर ऑयल डाल देंगे तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा नरम हो जाएगा, बट मैंने यहाँ जो हम ऑयल होता है उसका यूज़ नहीं किया, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, अभी तक जिन्होंने ये जो नाश्ता है वो ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ इस नाश्ते को ट्राई करें। आपके घर में मेंबर को सबको पसंद आएगा और आप इसको अपने साथ 10 या 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी इसको निकाल के खा सकते हैं इस नाश्ते को। तो यहाँ मैंने आधा कटोरा दही लिया है। दही डालने के बाद में जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाता है। दही डालने से जो हम लोग के आटा है, हम लोग खाना बनाते हैं उस आटे में भी हमें दही डालना चाहिए जिससे अच्छे बने। और देख सकते हैं अच्छे से ऊपर से मैंने हल्का सा मसाला और ऐड कर दिया है, आधी से कम चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सबको डालने के बाद में आटा लगा लेंगे हम लोग इस तरीके से, और पानी हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना, इसी में हम लोग का काम चल जाएगा, क्योंकि आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा हार्ड आटा लगाना है। तो आटा तो एकदम बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं एकदम हार्ड आटा, ना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम टर्न का हम लोग का जो आटा है वो तैयार हो चुका है। आप लोगों को लग रहा होगा कि तेल इतना कम कैसे है, तो गाइस तेल इतना कम नहीं है, जो कढ़ाई हम लोग की पैन है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग को इतना ही तेल यूज़ करना है। और देख सकते हैं अब आटे को एकदम अच्छे से इसको घुमा लेंगे और इसकी जैसे लोई तैयार करते हैं उस तरीके की लोई तैयार कर लेंगे। और लोई तैयार करने के बाद में इस तरीके से हमें लोई तैयार कर लेनी है, जैसे हम लोग आटा नहीं गूंथते और उसकी रोटी बनाते उस तरीके का। और इसको इतना लंबा बेलना है, इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आप लंबा बेलेंगे तो, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चारों तरफ मैंने आटा लगा लिया, देख सकते हैं यहाँ मैंने आटा का ही यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास गलती से आटा है वो बिल्कुल पतला हो गया है, तो आप इसको तेल डाल के अगर यूज़ करेंगे दोबारा, अगर तेल डाल के या हल्का सा आटा डाल के लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा ये, और बिल्कुल भी जैसे कि पतला होता है वो आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा अगर आप हल्का सा उसके अंदर तेल डाल देंगे तो। यहाँ मैंने कटोरी लिया, तो कटोरी देख सकते हैं कटोरी साइज़ के हमें जो नाश्ता है वो तैयार करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने नाश्ता बनाया। ये थोड़ा कट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है, वरना बिल्कुल गोल नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। अगर आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट होगा या बिल्कुल उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो वो आप इसके अंदर बिल्कुल ख़राब नाश्ता हो जाएगा, इस तरीके से निकल नहीं पाएगा, इसकी जो लेयर है नीचे ही चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सभी को निकाल लेना है। तो गाइस देख सकते हैं सारे तो मैंने बना लिए, और जो साइडों की लेयर थी उसको हम लोग दोबारा बना के और नाश्ता तैयार कर लेंगे। तो हमें ऑयल के अंदर इसको डालना, ऑयल एकदम गर्म हो चुका है, ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से ऑयल एकदम गर्म हो चुका है, इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए नाश्ता बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगने वाला है। आपके फैमिली मेंबर हैं उसको इस जो ये नाश्ता है उसको इतने अच्छे से खाएंगे कि आप डेली ये नाश्ता घर पे बनाएंगे और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। जैसे हम लोग आटा बनाते हैं, आटा लगाते हैं और रोटियाँ बनाते हैं, उससे भी कम टाइम लगेगा इसमें। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर घर पर अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस देख सकते हैं फूलने स्टार्ट हो गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से नाश्ता फूल रहा है मेरा।
अगर आप भी बनाएंगे तो मैं बहुत ही आसानी से उसको बना लिया है मैंने, तो अगर आप भी बनाएंगे तो इसी तरीके का नाश्ता बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हल्के से टाइम के लिए और सेक लेंगे इसको, इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं अच्छे से सिकने में, क्योंकि इसके अंदर जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक सिकना चाहिए, वरना कच्चा आटा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम लोगों की जैसे कचौरियाँ नहीं होती, उसी तरीके की वो मसाला कचौरी टाइप हम लोग का नाश्ता तैयार हो चुका है, और एकदम टेस्टी टेस्टी और मसाले वाला नाश्ता हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस यहाँ मैंने इसको सर्व कर लिया है, और देख सकते हैं मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर जो भाप होती है वो भी निकल रही है, इसलिए तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है, आप भी देख रहे होंगे। तो गाइस अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन को दबा दीजिए, और उसके पास घंटी है उसको भी दबा दीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।